कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और सब चीज़ें एकदम मज़े में चल रही होंगी। तो ये जो व्लॉग है ये स्पेशली एक स्पेशल व्लॉग है और ये व्लॉग की शुरुआत भी कुछ शाम के समय हो रही है। और ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि हम एक कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं आज। तो आज जो ये व्लॉग होने वाला है ये पूरा एक कार की डिलीवरी पे होने वाला है। और कार भी जो है वो अभी ही कुछ समय पहले उसका बहुत ही शानदार वाला फेसलिफ्ट आया है। ये वही कार है और आप गेस करो कौन सी कार है, मैं वैसे आगे में बताऊंगा ही। तो बने रहिए जानने के लिए कि हम कौन से कार की डिलीवरी ले रहे हैं और वो कार के बारे में मैं जितना हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा, वेरिएंट कौन सा लिया है और वो वेरिएंट में क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें हम इस व्लॉग में देखेंगे। तो चलो चलते हैं। और आज हम हमारी छोटी गाड़ी से नहीं जा रहे, आज हमारे घर की दूसरी गाड़ी XUV 500 उससे जा रही है। हमारी खूबसूरत सी गाड़ी जिसमें हम कभी भूटान गए थे तो भूटान का फ्लैग लगा रहता है हमेशा और इंडिया का फ्लैग भी लगा रहता है हमारे गाड़ी में। और ये है हमारी गाड़ी। तो चलो चलते हैं, अभी हम अक्षय को पिक करते हैं। अक्षय के घर पे हम पहुंच चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं टाटा मोटर्स। अभी तक तो आप गाड़ी का अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे कि कौन सी है। अभी वो पेपर वर्क होंगे सब, पेपर वर्क के बाद फिर हम लोग गाड़ी की डिलीवरी लेंगे और फिर यहाँ से वापस जाएंगे घर वापस। तो चलो देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। यार टाटा के शोरूम में आके इतनी नेक्सॉन खड़ी है, इतनी ज़्यादा नेक्सॉन्स खड़ी है नई वाली, और बहुत ही शानदार पूरे कलर्स देखने मिले और बहुत ही मज़ेदार है भाई। मतलब लुक देख के ही मज़ा आ जाता है, बहुत भयंकर। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बहुत अलग अलग कलर्स है, जैसे वो वाला जो कलर है ये वाला, वो लाइट वाला ग्रे वाला कलर है, ये डार्क ग्रे है, ये वाइट कलर की यहाँ पे खड़ी है। ये देखो भाई ये कलर तो सबसे डिफरेंट है भाई, ये वाला कलर कितना शानदार दिख रहा है भाई साहब। और वॉलेट वाली तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही दिखाई है। ये है, ये तो बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स है यहाँ पे, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स है और बहुत ही खूबसूरत है। पर अभी अनवील करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कौन सी गाड़ी खरीदी है, हमारे दोस्त ने कौन सी गाड़ी खरीदी है। तो जब अनवील करेंगे तब पता चलेगा, या तो फिर आपने गेस कर लिए होंगे, कमेंट करना कि कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी ली है, तो वो मैं आपको अनवील करने के बाद बता ही दूँ। चढ़ गया है हमारे गाड़ी को कवर, अभी बुलाते हैं हमारे दोस्त को और उसकी फैमिली को और करते हैं अनवील, क्योंकि गाड़ी हमने नहीं ली है, हमारे करीबी दोस्त ने ली है। और हमारे ग्रुप में एक नई गाड़ी ऐड होते हुए, तो ये अनवील करते हुए बहुत ही शानदार तरीके से अनवील किए। यही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्षल नई गाड़ी के लिए। तो ये है हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी हो गई है पूरी सज धज के तैयार, ग्रे कलर लिए है। हमें गाड़ी के अंदर, और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो है टाटा का लोगो। ये कुछ इस प्रकार से है गाड़ी अंदर से। आज के हाल है ये टाटा मोटर्स के। और ये सफारी को देखो यार, इतनी खूबसूरत दिख रही है ना, दिखनी है ना आपको। ये देखो पूरे टेबल बुक है फुल। नेक्सॉन का ये प्योर वेरिएंट परचेज किया गया है, ये मतलब बेस से सेकंड बेस में आता है शायद प्योर, और ग्रे कलर है ये। और गाड़ी के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। एक तो ये लोगो तो आता ही है, ये लोगो जो है ये डिजिटल लोगो है, काफ़ी अच्छा दिखता है।
स्टेयरिंग व्हील जो है काफ़ी सुंदर बनाया गया है, बटने भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही प्रीमियम फील आता है बटनों का भी। मीटर में भी आपको एवरेज दिखाई देता है, सीट बेल्ट तो आता ही है। और ये गाड़ी में हमें मोड्स मिल जाते हैं, सिटी मोड, ये जैसे अभी यहाँ पर देखो स्पोर्ट्स लिखा है तो इसने ऐसा बोला, अभी मैं चेंज करूँगा। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ये ऐसे बताती भी है कि कौन से मोड में हमारी गाड़ी चल रही है। इसमें टच पैनल आ जाता है, एसी आ जाता है, यहाँ पर पूरा जो पैनल है वो टच पैड वाला पैनल है, और जो एसी है वो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, मैनुअल एसी है। ये स्पीड के लिए है, ये टेम्परेचर के लिए है, और काफ़ी खूबसूरत है। स्पेस भी बहुत है गाड़ी में, सीट कवर नॉर्मल सीट्स आती है, कुशनिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। इसमें एयर बैग्स है, यहाँ पर भी है, दो एयर, छः एयर बैग्स आती है टोटल, क्योंकि वो मैंडेटरी है। एक पिलर में एयर बैग है और एक सीट में, तो ये फ्रंट में इतनी एयर बैग्स मिलती है। इसमें आपको सनरूफ वगैरह कुछ नहीं मिलता है, नॉर्मल सा मिरर मिलता है, ऑटो एडजस्टेबल साइड मिरर्स मिलते हैं, ऑटो फोल्डिंग नहीं मिलता है। चारों पावर विंडोज़ है, लॉक, सेंट्रल लॉकिंग, लॉक अनलॉक का यहीं पर दिया गया है। नेक्सॉन में एक फीचर बड़ा अजीब सा है, ये देख रहे हो, ये बूट ओपन करने का टच पैड है। बूट अगर आपको ओपन करना है तो आपको यही बटन से बूट ओपन करना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास बूट ओपन करने के लिए और कोई ज़रिया नहीं है नेक्सॉन में, ना ही इसके चाबी में, की में भी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं आपको की भी दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये है की, और की में भी आपको बूट वाला बटन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये प्योर वेरिएंट है तो इसमें बूट पीछे से ओपन करने की बटन नहीं है, ये नेक्सॉन के, नए नेक्सॉन के सब वेरिएंट में ऐसा ही है कि अगर आपको बूट ओपन करना है तो आपको अंदर के टच पैड से ही बूट ओपन करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली बाहर उतर के बूट इसका ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उसको बटन ही नहीं है। अब ये टाटा ने क्यों किया है ये तो हम भी नहीं जानते, पर ये एक सीरियस फीचर मिसिंग है ये नेक्सॉन में। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा ये वेरिएंट प्योर वाला, क्योंकि जितने नेसेसरी फीचर्स है वो आपको इसमें हर चीज़ मिल जाती है। इसमें रिवर्स कैमरा नहीं है पर इसमें पार्किंग सेंसर्स है, तो ये अच्छी बात है कि आपको सेकंड बेस में ही आपको पार्किंग सेंसर्स और जितने नेसेसरी फीचर्स है एक आम आदमी को लगते हैं वो ये गाड़ी में है। यार ड्राइविंग करने में तो है ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस है, ऊंची है गाड़ी, काफ़ी कंफर्टेबल है, सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह तो लॉन्ग टूर के लिए भी काफ़ी अच्छी बनाई गई है गाड़ी ये। और इस प्रकार से हम ये व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।